हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बताने वाले हैं कि आप अपना पीएफ अकाउंट का पैसा कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और दोस्तों आपका पीएफ कटता है, तो आप अपने पीएफ अकाउंट का जो भी पैसा होता है आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सारा डिटेल्स में आज हम बताने वाले हैं। वीडियोज को आपको ध्यान से देखना है कि कैसे पीएफ का पैसा आप एडवांस में निकाल सकते हैं, आप अपने अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं पीएफ का पैसा, ठीक है। तो आपको डिटेल्स में मैं बताऊंगा, तो वीडियोस को आप जरूर लाइक करना, अगर वीडियो पसंद आए तो करना, नहीं तो फिर मत करना। आपको सबसे पहले कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पे सर्च करना है UN लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे लिखना है, लिखने के बाद आपको इंटरप्रेस करना है, यानी कि सर्च करना है। ऊपर में एक ऑप्शन आएगा UN एम्प्लॉई, ठीक है, इस पर क्लिक करना है पहले वाले लिंक पर। तो हम चलिए क्लिक करते हैं, आपको भी यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। कुछ ऐसा पॉपअप खुलेगा, आपको इसको क्या करना है, यहाँ पे कट कर देना है, ठीक है। कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन में आएगा UN नंबर, आपको क्या करना है, UN नंबर आपको डाल देना है। यानी कि दोस्तों जो भी पीएफ अकाउंट का UN नंबर होता है, जो भी आपको अकाउंट बना था पीएफ अकाउंट का, तो आपको बस अपना कैप्चर वगैरह डालकर साइन इन पर क्लिक करना है, ठीक है। आपको अपना UN नंबर ऊपर डालिए, जो भी UN नंबर ID का पासवर्ड होता है वो डालिए, फिर आप यहाँ पर साइन इन करिए। नीचे जो कैप्चर दिख रहा आपको, जैसे कि कैपिटल मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको जैसा लिखा हुआ कैप्चा, जैसे कि WPS का बड़ा है छोटा, वैसे लिखना है आपको, ठीक है। UN नंबर आपको डाल देना है। UN नंबर डालने के बाद जो भी आपका पासवर्ड होता है पीएफ अकाउंट का, UN नंबर पासवर्ड होता है, डालकर साइन इन पे क्लिक करिए, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक OTP आएगा 6 डिजिट का, जो भी आपका पीएफ अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक था उस मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का OTP आएगा। आपको OTP को 1 टाइम पासवर्ड के ऊपर यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। आपको मोबाइल नंबर भी ऊपर दिखेगा, तो OTP डालना। नीचे जो कैप्चर दिख रहा है RID7C, आपको कैपिटल टू स्मॉल जैसा भी लिखा हुआ आपको वैसा लिख के आपको OTP डालकर यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। तो मेरा OTP आ गया, मैं OTP लिख दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, OTP लिख दिया, तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन खुलेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो, या फिर आप फाइल ना, या फिर लेटर कर सकते हो। मैं यहाँ पर लेटर करता हूँ, आपको भी यहाँ पर लेटर करना है। लेटर करने के बाद यहाँ दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे जो भी पीएफ अकाउंट का आपका अकाउंट रहेगा यहाँ पे आप लॉगिन हो जाएंगे। आपका मेंबर आईडी, नाम पता जितना भी रहेगा सारा यहाँ पे दिखेगा। डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी रहेगा आपका पीएफ अकाउंट का डिटेल्स सारा दिखेगा। ऊपर में आपका UN नंबर, आपका नाम दिखेगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको पैसा निकालने के लिए सबसे पहले आपके एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पैसा निकालने से पहले आपको चेक करना है कि आपके पीएफ अकाउंट में कितना बैलेंस है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि पीएफ अकाउंट में आपका कितना बैलेंस है, तो आप पैसे यहाँ से गड़बड़ भी निकाल सकते हैं, यानी कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, पैसा निकालने समय आपको रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले पैसा निकालने के लिए आपको पैसा चेक करना है कि आपके पीएफ अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो आपको व्यू पे जाना है, व्यू वाले पे आपको पासबुक का ऑप्शन दिखेगा, पासबुक पे क्लिक करना है। और दोस्तों जो भी आपका यहाँ पे एक पोर्टल खुलेगा, आपको UN नंबर डालना है, जो आपने ऊपर अभी डाला था UN नंबर, UN नंबर का पासवर्ड, यानी कि पीएफ अकाउंट नंबर जो भी होता है, पीएफ का UN नंबर पासवर्ड जो भी होता है वो डालकर आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। UN नंबर एंड पासवर्ड डालना है, ठीक है। पीएफ अकाउंट का पासवर्ड डालना है, ठीक है। सारे डिटेल डालने के बाद साइन इन पे क्लिक करना है, ओके। तो हम चलिए साइन इन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पैसा चेक करना है कि आपको कितना पैसा जमा हुआ। आपका नाम सबसे पहले दिखेगा, यहाँ पे मेंबर वाइज बैलेंस एक आपको दिखेगा, ठीक है। नीचे में आपका जो भी बैलेंस होता है, तो आप यहाँ पे चाहो तो देखिए, यहाँ पे लिख रहा है एम्प्लॉई शेयर अवेलेबल, आपको कितना पैसा शेयर किया गया। आप कलर के माध्यम से भी पता कर सकते हैं कि कितना बैलेंस है। ब्लू पे क्लिक करेगा तो इतना बैलेंस बताएगा, ठीक है। तो आप इससे यहाँ पे बता सकते हैं। तो आपको पैसा, मेन पैसा कैसे चेक करना है, जैसे कि बहुत सारे क्या होते हैं कि एक बंदा दो कंपनी में काम करता है, तो उसी पीएफ अकाउंट से आपसे पैसा मतलब आते रहते दोनों कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा, मैंने क्लिक किया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे मेंबर आईडी आपको दिखेगा, मेरा दो मेंबर आईडी है, मैंने दो कंपनी में काम कर रहा था, तो मेरा पहला कंपनी की मेंबर आईडी ये हुआ, और जो हमारा दूसरा है मेंबर आईडी, ये हमारा दूसरा कंपनी का है। तो मैंने पहला कंपनी छोड़ दिया था, तो मुझे पहला कंपनी में इतना बैलेंस है और दूसरा में इतना है। तो मैं दोनों मेंबर आईडी का पैसा निकालना चाहता हूँ, तो दोनों मेंबर आईडी का पैसा निकालने के लिए आपको लिख लेना है कि मेरा पहला कौन सा मेंबर आईडी में कितना पैसा है, दूसरा कौन सा मेंबर आईडी में कितना पैसा है। तो मेरा दोनों मेंबर आईडी में मुझे याद है, तो आपको यहाँ पे देख लेना, अगर दो मेंबर आईडी है तो, या फिर एक है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे दो मेंबर आईडी, मैं दोनों को निकालना चाहूँगा। आपको क्या करना है, पहले जो आप लॉगिन किए थे एम्प्लॉई वाला, इसमें आपको फिर से आ जाना है जो आप शुरू में लॉगिन किए थे। उसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है, क्लेम 31
इस पर क्लिक करना है, क्लेम 31 जो लिख रहा है आपको 19, फिर आपको 10C इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको सारा डिटेल्स दिखेगा, जो भी पीएफ का आपका अकाउंट में बना हुआ रहेगा, नाम पता जो भी रहेगा आपका, आईएफएससी कोड वगैरह दिखेगा। आपको क्या करना है यहाँ पे, नाम दिखेगा आपको, फादर्स नेम दिखेगा, आपको क्या करना है बैंक अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। जो भी आपने अपना पीएफ अकाउंट से अपने अकाउंट नंबर अपना लिंक किया था उस अकाउंट नंबर को डालना है वहाँ पे। आप यहाँ पे आईएफएससी कोड भी देख सकते हो, आपको अकाउंट नंबर सही से डालना है, ठीक है, नहीं तो आपको रिजेक्ट भी हो सकता है। तो जो मैंने अपना अकाउंट नंबर लिंक कराया था पीएफ में, मैं अकाउंट नंबर डालकर वेरीफाई पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे जो वेरीफाई लिख रहा है क्लिक करूँगा, अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यस आपको कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन आएंगे, यहाँ पे आई हैव वेरीफाइड डिस्प्ले बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ माइन एंड अंडरस्टैंड डेट द क्लेम अमाउंट विल बी क्रेडिट टू दिस बैंक अकाउंट इफ यू, ठीक है। आपको जो भी अकाउंट नंबर रहेगा और डिटेल्स को वेरीफाइड करेगा, उसके बाद आपको आपके अकाउंट में पैसा को भेजेगा, ठीक है, ये यहाँ पे बता रहा है। तो आप चाहते हैं यहाँ पे इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए जो भी आपको पढ़ना है, तो मैंने यहाँ पे पढ़ रखा हूँ इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जो नीचे लिख रहा है आपको यहाँ पे जो भी डिटेल्स यहाँ पे पढ़ लेना है इतमान से, ठीक है। उसके बाद आपको आई एग्री यस पे क्लिक कर देना, जो यस का ऑप्शन आ रहा है यस पे क्लिक करिएगा, तो आपने अकाउंट नंबर जो डालेंगे यहाँ पे टिक लग जाएगा, यानी कि आपने अकाउंट नंबर सही डाला है। तो सारा डिटेल्स यहाँ पे जाएगा, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करना है एक बार आपको। हम क्लिक किए हैं, थोड़ा सा वेरीफाइड आएगा, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, आपका यूएन अकाउंट नंबर दिखेगा, ठीक है, आपका नाम पता दिखेगा, एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब ज्वाइन किए थे, एक आई वांट टू अप्लाई फॉर इस पर क्लिक करना है बगल में जो लिख रहा है, यहाँ पर देखिए पीएफ एडवांस फॉर्म 31, यानी कि दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम पैसा निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पे एडवांस में पेमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन आ सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम पैसा निकाल रहा हूँ तो मैं एडवांस में निकालना चाहता हूँ पैसा, तो मैं यहाँ पे पीएफ एडवांस 31 पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो आप भी चाहो तो पीएफ एडवांस 31 पे फॉर्म को क्लिक करके पैसा निकाल सकते हैं। तो आपको भी क्या करना है, पीएफ एडवांस 31 पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया हूँ, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सारा डिटेल्स आएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सिलेक्ट सर्विस, इस पर क्लिक करना है। जो भी आपका मेंबर आईडी रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं दो कंपनी में काम किया हूँ, तो मेरा दो मेंबर आईडी है, मेरा पहला मेंबर आईडी में इतना बैलेंस है और दूसरा मेंबर आईडी में मुझे इतना बैलेंस है। तो मैं यहाँ पे दोनों को निकालना चाहता हूँ, तो मैं अपना जो भी मेंबर आईडी का पैसा निकालना चाहता हूँ, मैं उस पर क्लिक किया हूँ, एक ऑप्शन आएगा सिलेक्ट एडवांस पारा। आपको यहाँ पे मेरा जो ऑप्शन आ रहा है आउट ऑफ ब्रेक पैंडेमिक कोविड-19, ठीक है दोस्तों। मुझे इसलिए ये आ रहा है कि मैंने अभी जो है पैसा और भी थ्रू निकाल चुका हूँ। यहाँ पे आप अगर पहली बार पैसा निकाल रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम पैसा निकाल रहे हैं, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा इन लेंस का, देखिए जो रेड में आपको दिख रहा है ना, वाइट में लिखा हुआ इन लेंस का एक लिखा हुआ आएगा, तो आप इन लेंस पे क्लिक करके हर महीना आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं हर महीना, ठीक है। तो मुझे इन लेंस का देखिए जो लिख रहा है ना इन लेंस, आप यहाँ पे हर महीना पैसा एडवांस में निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लिक करके। तो मुझे क्या है, मैंने अभी एडवांस में इलनेस का पैसा मैंने पहला मेंबर आईडी में निकाल चुका हूँ, तो इसलिए मुझे ये इलनेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे पर्पज़ है, आप जो चाहो यहाँ पे निकाल सकते हो कि आप किसके लिए पैसा निकालना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप इलनेस करके निकाले वो बेहतर रहेगा, ठीक है। आपको इलनेस करके निकालना है, हर मंथ आप चाहो तो पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। तो मैं जब भी निकालता हूँ इलनेस करके निकालता हूँ, बाकी वो आपकी मर्जी है कि आप सिलेक्ट क्या करते हैं। तो मुझे मैं इनलेस करके निकाल लिया हूँ, इसलिए मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं पहला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा आउट ऑफ ब्रेक वाला, ठीक है। आप कितना पैसा निकालना चाहते हैं आपको यहाँ पे लिख देना है, जैसे कि मेरा दूसरा अकाउंट में 5600 था, तो 5600 कुछ रुपया था, तो मैं यहाँ पे 5600 निकालूंगा, ठीक है, 5600 निकालूंगा। तो मैं यहाँ पे 5600 लिख दिया हूँ, फिर आपका एम्प्लॉई एड्रेस, जो भी आपका आधार कार्ड में एड्रेस आपका लिखा हुआ है, आपको एड्रेस सेम यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। आपके जो भी डिटेल्स रहता है, मतलब जहाँ पे आप रहते हैं, आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पे डालना है, ठीक है, नहीं तो आपसे यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप एड्रेस डालते हैं गलत। तो स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका जिला पड़ता है वो आपको सिलेक्ट यहाँ पे करना है, फिर आपको यहाँ पे सिटी जो भी आपके आसपास पड़ता है वो सिटी आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। सिटी यहाँ पे डालने के बाद आपको बगल में जो भी पिन कोड आपका पड़ता है एरिया का, आपके आधार कार्ड के पीछे पिन कोड लिखा हुआ होगा 6 अंक का, वो आपको पिन कोड डाल देना है। तो मैं यहाँ पे पिन कोड डाल दिया हूँ। अब दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा, अपलोड अ स्कैनड कॉपी ऑफ चेकबुक पासबुक, ठीक है। तो आप यहाँ पे पैसा निकालने के लिए अगर 5600 निकाल रहा हूँ मैं, तो मुझे एक पासबुक अपलोड करना पड़ेगा अपना खाता, जो भी मुझे पीएफ अकाउंट से लिंक है,
चेकबुक या फिर पासबुक दोनों अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे JPG में आप अपलोड करिएगा और मिनिमम जो आपका है 100 KB से 500 KB तक रहना चाहिए जो आप अपलोड करेंगे JPG फाइल, ठीक है। उससे ज़्यादा न 500 से ज़्यादा न 100 से कम, इसके बीच में आपको रखना है। तो मैं यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करूँगा, ठीक है। चूज फाइल पे क्लिक करके जहाँ भी आपका पासबुक रखा हुआ है मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ओपन करूँगा, मुझे ये सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। आप चाहो तो अपना पासबुक कौन सा अपलोड किए हैं आप चाहो तो यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रीट वगैरह जो भी था एड्रेस डाल लेना बढ़िया से। मैं पासबुक यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको चेक कर टिक मार्क लगा देना है। आप चाहो तो अपना पासबुक देख सकते हो, तो आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। जो भी आपने पासबुक अपलोड किया है वो पासबुक यहाँ पे दिखेगा कि कौन सा पासबुक आपने डाला है। मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, ठीक है। फिर आपको सबसे नीचे जाना है, यहाँ पे सारे डिटेल्स आपको आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको छोड़ना है, नीचे आना है सबसे। फिर आपको यहाँ पे टिक मार्क अगर नहीं रहेगा तो टिक मार्क लगाना है। गेट OTP आधार पे क्लिक करना है, ठीक है। जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस मोबाइल नंबर पर 6 अंक का OTP जाएगा, उस पर आपको उस OTP को डालना है, ठीक है। गेट आधार OTP पे क्लिक करना है, ठीक है। मैंने OTP यहाँ पे डाल दिया हूँ, ये मेरा सक्सेसफुली OTP हो गया। अगर OTP नहीं आता आपके मोबाइल नंबर पे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीसेंड का, देखिए नीचे ऑप्शन मिल रहा। आप रीसेंड पे क्लिक करके दोबारा OTP मंगा सकते हैं। मेरा OTP आ गया, OTP डाल दिया, वैलिडेट OTP पे क्लिक करूँगा और सबमिट फॉर्म पे क्लिक करूँगा। आपको भी यहाँ पे क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना, ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे देखिए OTP हैज़ बिन वेरीफाइड, मेरा हो गया EKYC अपलोड, PF एडवांस क्लेम सक्सेसफुली। मेरा दोस्तों यहाँ पे पैसा है जो मेरा PF अकाउंट का मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ये यहाँ पे बता रहा है। आप इसको PDF भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। आपका PDF में पूरा डिटेल्स रहेगा कि आपने कब पैसा निकाला, कितना पैसा निकाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा PF का जो भी पैसा मैंने विड्रॉ किया अभी, मुझे यहाँ पे PDF का PDF आ गया है। यहाँ पे डिटेल्स आपको दिखेगा कि आपने किसके थ्रू क्या पैसा निकाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको PDF को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, फ्यूचर वाइज चेक करने के लिए अगर कुछ ऐसा होता है। तो मेरा ये डाउनलोड हो गया है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए मैं बताता हूँ। आप अपना पैसा चेक करने के लिए कि आपका पैसा क्या स्टेटस शो हो रहा है, आपको पहले होम में जाना है, ठीक है। होम में जाने के बाद आपको आपको चेक करने का आपका कौन सा भी क्लेम हुआ है, प्रोसेस में है या नहीं। आपको ऑनलाइन पे क्लेम पे क्लिक करना है, ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे जितना भी पैसा आप ट्रांसफ़र करिएगा, देखिए यहाँ पे जितना भी पैसा आप PF से ट्रांसफ़र करिएगा बैंक में और डिटेल्स दिखेगा। मैंने यहाँ दोस्तों यहाँ 4 अगस्त को मैंने एक बार पैसा भेजा था 31 करके, तो 4:30 बजे मैंने भेजा था, मुझे क्लेम यहाँ पे सेटल हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ये एरर आ रहा है, मैं यहाँ पे रीलोड कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे रीलोड कर लिया हूँ। यहाँ पे मैंने 4 अगस्त को दोस्तों पैसा ट्रांसफ़र किया था, तो मेरा क्लेम यहाँ पे सेटल दोस्तों हो गया, यानी कि पैसा मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है। और दोस्तों मैंने आज देखिए यहाँ पे 24 अक्टूबर को मैंने पैसा यहाँ पे ट्रांसफ़र किया हूँ, देख पा रहे 24 अक्टूबर को मैंने दोनों यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ पे दोनों दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से अपना पैसे को निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से PF अकाउंट का पैसा निकाल सकते हैं। आपका यहाँ पे क्लेम स्टेटस दिखेगा यहाँ पे, आप चाहो तो यहाँ पे PDF भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लेम सेटल, अभी यहाँ पे मेरा प्रोसेस भी है। अगर आपको क्लेम सेटल्ड हो जाता है तो आपको समझ लो पैसा आपका बैंक अकाउंट में चला गया। अगर ऑनलाइन क्लेम सबमिट एट पोर्टल दिखाएगा तो अभी आपका प्रोसेस में है, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से अपना PF अकाउंट का पैसा भेज सकते हैं अपने अकाउंट में। फिर आपको यहाँ पे लॉग आउट कर लेना है, ठीक है। सारे डिटेल्स करने के बाद